हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं और आपकी भी शॉर्ट वीडियोस पर 0, 5, 10, 15 व्यूज आता है और आपकी जो वीडियो है वो शॉर्ट फीड में नहीं जा पा रही है। अब शॉर्ट फीड क्या होता है, साइड में आप देख लीजिएगा, जब हम यूट्यूब को ओपन करते हैं वहां पर शॉर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं और वीडियोज को यूं टिकटॉक की तरह जब देखते हैं वही शॉर्ट फीड होता है और एक्चुअली व्यूज वहीं से आता है। यहां पर मैं ग्राफ लगा दूंगा, ये देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो व्यूज है शॉर्ट वीडियो पर शॉर्ट फीड से आता है। अगर आपको अपनी वीडियो को वायरल करना है एक नए चैनल पर तो आपको अपनी वीडियो को पहले शॉर्ट फीड में भेजना पड़ेगा। वो कैसे जाएगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और वही काम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके व्यूज कभी नहीं आएंगे जब तक आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाएगी, आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वीडियो को शॉर्ट फीड में भेजकर उसके वायरल होने के चांसेस को काफी ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ में कुछ चीजें भी आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जहां पर आप दोस्तों अपनी वीडियो को बिना टाइटल के भी वायरल कर सकते और वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पता है दोस्तों, बकवास करने की आदत नहीं है आपके लिए, केवल वही लेकर आते हैं जो आपके लिए सही है। तो फटाफट से दोस्तों, बिल्कुल भी देरी मत करिए, पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हम यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बोला है कि आप अपने वीडियोस को बिना टाइटल के भी वायरल कर सकते हैं, लेकिन वो एक पुराने चैनल पर वायरल होगा। नए चैनल पर जब वीडियो को वायरल करना है तो उसे आपको सबसे पहले शॉर्ट फीड में भेजना होगा। शॉर्ट फीड में कैसे भेजेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक समझना है, क्योंकि समझना क्या है वो अब की बात है, करना क्या है वो बाद की बात है। तो बाद में आप अपनी वीडियोज के अंदर वो काम करिएगा, आपकी भी वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी, लेकिन वायरल कब होगी वो भी आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। और एक्चुअली आपकी जो वीडियो है ना, 1000, 2000 एंड 500, 200 वीडियो व्यूज पर रुक जाती है, उसका भी कारण मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप अपनी वीडियो को यहां पर शॉर्ट फीड में भेज सकते हैं। तो यहां पर आप साइड में देखिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपने YouTube को इकॉग्निटो में ऑन किया हुआ है, यानी प्राइवेट मैंने ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर शॉर्ट्स के अंदर जाऊंगा। ये दोस्तों शॉर्ट फीड होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कई सारी वीडियोस आ रही हैं। अब मेरे सामने वो वीडियो आ रही है, आप लाइक पर थोड़ा नजर डालिए, 520 के लाइक, 5,20,000 लाइक, 1.7 मिलियन लाइक, यानी मुझे वायरल शॉर्ट्स दिखा रहा है YouTube, ठीक है ना। मैं देखता जाऊंगा, जो भी वीडियो अच्छा होगा मैं उसे पूरा वॉच करूंगा, सीधी सी बात है, अच्छा लगेगा तो पूरा वॉच करूंगा एंड यहां पर लाइक भी करूंगा। किसी किसी ने लाइक को हाइड भी किया हुआ है, ये काम आप भी कर सकते हैं नए चैनल पर, लाइक को हमेशा हाइड करके रखिए ताकि ये ना लगे कि ये जो वीडियो है वो छोटा है, मतलब वायरल नहीं है, तो लोग उसे पूरा ना वॉच करें। तो मैं देखता जाऊंगा, लेकिन मेरे सामने देखते देखते एक ऐसा वीडियो आ जाएगा जो कि अभी तक यहां पर वायरल नहीं हुआ है। और यही आपके साथ होता है, आपकी वीडियो को YouTube शॉर्ट फीड में तो भेजता है लेकिन आप गलती कर जाते हैं और उसी कारण से आपका जो वीडियो है वो 1000-2000 व्यूज पर रुक जाता है। तो ये मेरे सामने वीडियो आया है जो कि भैया ने यहां पर 22 जनवरी 2023 को अपलोड किया है, 2484 व्यूज है और 65 लाइक है, आप अपनी आंखों से साफ-साफ इधर देख सकते हैं। तो YouTube ने इंप्रेशन तो भेजा, अब ये शॉर्ट फीड में कैसे आई, ऐसे आई दोस्तों, आप यहां पर देखिए, चलिए मैं इनका वो टाइटल वाला ओपन कर लेता हूं। तो इन्होंने अपने टाइटल में दोस्तों आप देख सकते हैं हैशटैग शॉर्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, हैशटैग शॉर्ट्स को यहां पर लगा रखा है और यही काम आपको करना है। आपको दो हैशटैग लगाने हैं, वो कौन से लगाने हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन हैशटैग का अपनी नई वीडियो के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टाइटल के अंदर यूज करते हैं, केवल टाइटल के अंदर, ना कि डिस्क्रिप्शन के अंदर, ना कि टैग्स के अंदर, टाइटल के अंदर यूज करते हैं, तो आपकी जो वीडियो है वो भी यहां पर शॉर्ट फीड में जाएगी, 1000-2000 व्यू पर रुक जाएगी। अगर उसको भी ठीक कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों रुक जाएगी, और फिर आपका वीडियो यहां पर वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपका भी वीडियो यहां पर वायरल हो जाएगा, अगर मैं जो बात बताऊंगा वो अगर सही निकलती है तो। तो यहां पर आपको अपनी वीडियो को शॉर्ट फीड में कैसे भेजना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर यहां पर वायरल वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, ये देखिए 1.8 मिलियन, फिर यहां पर एड आ गया, देखता जाऊंगा। और यहां पर बीच बीच में आपको, आप भी देखिएगा, शॉर्ट्स के अंदर आपको भी कुछ छोटे वीडियो देखने के मिलेंगे जो यहां पर वायरल नहीं होंगे, तो ठीक है ना। अब यहां पर वायरल शो करने लग गया है, तो ये देखिए फिर से आ गया दोस्तों, ये कोई यूजर है जिन्होंने टाइटल वाइटल भी नहीं डाला है और शॉर्ट फीड में वीडियो आ रहा है। तो ये आप शॉर्ट फीड में कैसे भेज सकते हैं, सबसे पहला जो हैशटैग है आपको क्या लगाना है, जब भी आप एक नए चैनल पर वीडियो को अपलोड करें तो आपको अपने टाइटल के अंदर हैशटैग शॉर्ट्स का इस्तेमाल करना है, ये जरूर करिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने टैग्स यहां पर जो हैशटैग है वो उसे ओपन किया हुआ है, हैशटैग शॉर्ट्स, मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ये वाला आपको हैशटैग जरूर अपना वीडियो में डालना है। अब वायरल करना दोस्तों काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है जब से मोनेटाइजेशन आया है, यूट्यूब भी दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियोस को वायरल कर रहा है, तो यहां पर हैशटैग शॉर्ट्स आपको इस्तेमाल करना है। 481 मिलियन वीडियोस बनी हुई हैं इस हैशटैग पर और 25 मिलियन चैनल ने यूज किया है इसको यहां पर, तो पहला हैशटैग आपको यही लगाना है। दूसरा हैशटैग क्या लगाना है, चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। दूसरा जो हैशटैग है वो आपको लगाना है SHORTS और यहां पर फीड, एस नहीं लगाना है, केवल शॉर्ट फीड लगाना है, केवल शॉर्ट फीड, ठीक है ना, एस नहीं लगाना है आपको।
तो यहाँ पर आप देखिए जो नहीं नहीं शॉर्ट्स फीड लगाना है, एस बी लगाना है आपको, ये तो छोटा वाला है, ये छोटा वाला कीवर्ड है, ये छोटा वाला हैशटैग है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट्स फीड ओपन करूंगा तो ये दूसरे नंबर पर आपको हैशटैग यूज करना है, और ये भी काफी बड़ा यहाँ पर हैशटैग है, 10 मिलियन यहाँ पर वीडियोस बनी हुई इस हैशटैग पर, और 983,000 चैनल्स ने इसे यूज किया हुआ है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर हैशटैग शॉर्ट्स को खोल लेता हूँ दोबारा से, फिर आपको बताता हूं। यहां पर मैंने हैशटैग शॉर्ट्स को यहां पर खोल लिया है, तो आपको दो हैशटैग इस्तेमाल करने हैं, हैशटैग शॉर्ट्स और एक हैशटैग शॉर्ट्स फीड। मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहां पर मैं इस हैशटैग को ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर मुझे काफी सारी वीडियोस नजर आएंगी। देखो मिलियंस वाली भी आ रही है, आप खुद देख लीजिएगा सर्च करके यूट्यूब पर, तो मिलियंस वाली भी आ रही है, एंड यहां पर कुछ वीडियोस छोटी भी नजर आएंगी, जैसे आप जैसे क्रिएटर हैं छोटी वीडियोस है वायरल नहीं हुआ है वो भी इसके अंदर जाता है, लेकिन एक के दो के व्यूज पर रुक जाता है, फिर आपका वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाता है, वो रुक जाता है। तो काफी सारी वीडियोस आ रही हैं यहां पर, 3-3 मिलियन, 79 मिलियन, 36K, 2K वगैरह सारी वीडियोस यहां पर शो होंगी इस हैशटैग के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हैशटैग है। तो हैशटैग शॉर्ट्स और हैशटैग शॉर्ट्स फीड, ठीक है ना, ये दो हैशटैग आपको अपनी वीडियो के अंदर जरूर से यहां पर इस्तेमाल करने हैं, तभी वीडियो आपकी यहां पर शॉर्ट फीड में जाएगी और उसके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी वीडियो 1,000-2,000 व्यूज पर कैसे रुक जाती है। अगर दोस्तों आपका वीडियो खराब है, आपका वीडियो को यूट्यूब जो इंप्रेशन है वो शॉर्ट फीड में डालेगा, जरूर से जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लिप में दिखाया है, उस भैया का शो कर रहा है मेरे शॉर्ट फीड में, लेकिन अगर मुझे उसका वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो मैं स्क्रॉल करके निकल जाऊंगा। जो ऑडियंस है वो ज्यादा टाइम नहीं लेती है इस वीडियो को देखने में, आपको पहले 5 सेकंड के अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर कुछ ऐसा बताना है ताकि जो देखने वाला है वो आपकी वीडियो को एंड तक वॉच करे। अगर एंड तक वॉच करेगा वॉच टाइम बढ़ेगा और आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो अच्छा बनाइए, कहने का मतलब है वीडियो अच्छा बनाइए, और जो लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं उसे देखकर भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो ये दो हैशटैग आपको इस्तेमाल करने हैं, आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी, वीडियो अच्छा होगा, वायरल होने से दोस्तों भगवान भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं एक यहां पर चैनल में सर्च करूंगा जो मैं आपको बता रहा था कि बिना टाइटल के कैसे वायरल करना है। तो यहां पर एक चैनल है जिसका नाम है राणा जी स्क्वाड, ये देखिए ये आ गया है यहां पर राणा जी स्क्वाड। देखिए दोस्तों इनके चैनल पर दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 157 वीडियोस हैं, 4,43,000 सब्सक्राइबर हैं, आप खुद अपनी आंखों से दोस्तों इधर देख सकते हैं। मैं इनके शॉर्ट्स के अंदर जाऊंगा दोस्तों, आप देखिए कितने कितने व्यूज आ रहे हैं, 7,17,000, 1,54,000, 9.1 मिलियन, थोड़े दिन पहले डाला है दोस्तों, और वो भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर अपनी आंखों से, ये डिस्क्रिप्शन में खोलूंगा, ये देखिए कुछ भी नहीं है, ना तो डिस्क्रिप्शन है ना टाइटल है, टाइटल के अंदर केवल डेट आ रहा है, यानी रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। अब इनके वीडियो भाई क्यों वायरल हो रहे हैं, क्यों वायरल हो रहे हैं, मैंने आपसे बोला था ना कि बिना टाइटल के वायरल हो जाता है वीडियो, 15 अक्टूबर 2022 को डाला था, यहाँ पर देखिए 9 मिलियन व्यूज है, और मोस्ट पॉपुलर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सारे वीडियोस बिना टाइटल के हैं। नीचे नजर डालिए, मैं जूम करके लगा दूंगा, एक भी वीडियो के अंदर टाइटल नहीं है, मिलियंस में वीडियो जा रही हैं, क्यों जा रही हैं चलिए अभी आपको बताते हैं। और इनकी मोस्ट पॉपुलर की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं 110 मिलियन, 43 मिलियन, 39 मिलियन, 30 मिलियन, 14 मिलियन, यानी भरा पड़ा है भाई साहब। और सारी वीडियोस देखो मोस्ट पॉपुलर भी यहाँ पर ये लिंक डाल दिया है, मतलब अपलोड करना भी नहीं आती केवल डाल देते हैं। अब इनका वायरल क्यों हो रहा है वीडियो, आप दोस्तों इनके वीडियो देखिए ये किस तरह की वीडियो बनाते हैं, ये देखिए ये सबसे हटके एकदम यूनिक, इस तरह के वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा ही नहीं। और आप भी दोस्तों कुछ यूनिक वीडियो बनाएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे जो YouTube पर पूरे YouTube पर अगर है ही नहीं तो उसे आपकी वीडियो को YouTube खुद ब खुद वायरल कर देगा, चाहे उसके अंदर आप टाइटल डालें या ना डालें। और ये चीज़ आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। इनके वीडियो कुछ ऐसे हैं, देखो क्या करते हैं, केले का पेड़ काटा, केले में से अंडा निकलाया, पता नहीं कैसे निकलता है। यहाँ पर पैसों को बो रहे हैं खेत में, और ये देखो पेड़ को उखाड़ेंगे, यहाँ पर इसमें से सिक्के निकलेंगे। अब ये कैसे करते हैं ये तो यही जाने, केले को यहाँ पर चीड़ रहे हैं और उसमें से पैसा निकल रहा है, कैसे करते हैं पता नहीं है। यहाँ पर कद्दू को काटा उसमें से, अब है ना है यूनिक। अब यूनिक वीडियो बनाओगे तो यूट्यूब आपकी वीडियो को बिना टाइटल के भी यहाँ पर वायरल कर देगा। तो आप देख लीजिए आप यूनिक बनाएंगे या अपनी वीडियो को पहले शॉर्ट फीड में भेजेंगे। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, शॉर्ट फीड में तो आपकी वीडियो जाएगी गारंटी से, लेकिन वो वायरल तभी होगी जब वीडियो आपका अच्छा होगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, वो लाइक करेंगे, एंड यहाँ पर तभी आपका वीडियो वायरल होगा, उसका इंप्रेशन बढ़ेगा, वॉच टाइम जब अच्छा आएगा तो आपका वीडियो खुद ब खुद यहाँ पर वायरल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। तो कहने का मतलब यह है अपनी वीडियो को अपलोड करते समय दो हैशटैग का इस्तेमाल करिए, हैशटैग शॉर्ट्स और हैशटैग शॉर्ट्स फीड, ठीक है ना। तो ये दो हैशटैग लगाइए, आपका वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगा, उसके बाद वायरल होना है कि नहीं होना है वो आपकी वीडियो के ऊपर निर्भर करता है। तो वायरल होने के चांसेस को इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, और मैं आशा करता हूं आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है अच्छा लगा है यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की वीडियो आपको इस यूट्यूब पर मिलती रहती है, मैं आपके लिए मेहनत करता रहता हूं, और मेरा एक चैनल भी डिलीट हो चुका है और कोची शॉर्ट्स के नाम थे, मैंने ऐसे ही
वीडियो पर वायरल किया था, ये आप देख सकते हैं, ये मतलब YouTube ने डिलीट कर दिया पता नहीं किस वजह से। तो ये छोड़िए, हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे। तो अगर कोई क्वेरीज है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और डायरेक्टली आपके चैनल पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आप मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पर मेंशन करिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा और आपकी प्रॉब्लम को वहां पर सॉल्व कर दूंगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, एंड टाटा, बाय बाय।